अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीएनपी की लापरवाही से कैसे हजारों बच्चे फेल हो गए। जी हाँ दोस्तों, याद होगा वो समय आपका जब सेकंड सेमेस्टर, जी हाँ दोस्तों, गणित का पेपर लीक हुआ था और गणित के पेपर को दोस्तों इन्होंने क्या कर दिया था, रद्द कर दिया। लेकिन दोस्तों कुछ और पेपर लीक होने के सबूत आए, लेकिन उनको रद्द नहीं किया गया। जो गणित का आसान पेपर आया था उसको इन्होंने क्या कर दिया, रद्द। जिसके कारण से दोस्तों आज हजारों बच्चे फेल हैं और उनका स्क्रूटनी का रिजल्ट आ चुका है। और दोस्तों आपको बता दें, अगर अभी तक आपने 2015 बैच हो, 18 बैच हो, 17 हो या 19 बैच, अगर अभी तक आपने अपना स्क्रूटनी रिजल्ट डाउनलोड नहीं किया है तो हमने कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक दे रखा है, जाकर आप वहाँ पर आसानी से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको दोस्तों उसी सेमेस्टर का रोल नंबर की जरूरत आपको पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आपका रिजल्ट कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, अगर आपके रिजल्ट में एन और सी लिख के आ रहा है तो इसका मतलब होता है, देखिए एनसी का मतलब है नॉट चेंज, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जितना नंबर आपका पहले था उतना ही बाद में, ठीक है ना। ये दोस्तों एनसी का मतलब है। और देख रहे होंगे आप लोग गणित में, बताइए एक बच्चे का 11 नंबर था, अगर एक नंबर बढ़ जाता तो ये बच्चा पास हो जाता 12 पाकर, ठीक है। लेकिन गणित का दोस्तों जो कठिन पेपर बाद में जानबूझकर बनाया गया ताकि अधिक से अधिक बच्चे फेल हो सके। उसके बाद कुछ और अपडेट हम आपके सामने रखते हैं रिजल्ट के लिए दोस्तों, सिर्फ dlrizult.com। जी हाँ दोस्तों, आप इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग अपना रिजल्ट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की दोस्तों नोट्स दी गई है, जहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। एक बात और आपको पहले हम बता दें, आज से दोस्तों आप लोग सेमेस्टर परीक्षाओं की तैयारी में लग जाइएगा, आपकी बार पेपर कठिन आने की पूरी संभावना है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप लोग धरना दिए, याद रखिए जब भी हमारा धरना हुआ है परीक्षा को लेकर, तब तब दोस्तों पेपर कठिन बना है। सबसे बड़ा इसका जीता जागता सबूत है 2018 बैच, इन बच्चों का दोस्तों जब पेपर अभी इसी साल चतुर्थ सेमेस्टर का हुआ था, तो आपको बता दें 40,000 से ज्यादा बच्चों की बैक आई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों की तैयारी ठीक ठाक थी, उसके बाद 40,000 बच्चे फेल हुए। सबसे बड़ा कारण जो होता है दोस्तों पेपर कठिन था। तो जब भी दोस्तों धरना होता है डीएलएड में ना, उसके बाद पीएनपी वाले भैया इतना कठिन पेपर तैयार करते हैं। और देखिए, काफी बार दोस्तों बच्चों का भी ऐसा कमेंट्स आता है कि सर जी हमें जानबूझकर फेल किया गया। जी हाँ दोस्तों, जब किसी बच्चे का हिंदी में बैक लगा हुआ दिखता है, तब तो भैया सवाल बनता है कि हिंदी में क्या बैक लग सकती है डीएलएड में, क्या हिंदी में भी बच्चे फेल हो रहे हैं। तो ये दोस्तों आपके सामने है, बताइए यहाँ पर एक नंबर से बैक है, वर्तमान भारतीय समाज में दो नंबर से, बताइए इस बच्चे की, आपको बता दें सेमेस्टर बैक हो गई, इसकी मैथ में भी बैक थी, तो बताइए इन बच्चों का कितना नुकसान हो रहा है, छोटी छोटी लापरवाही और सेमेस्टर बैक, आप बताइए क्या होगा। अब चलिए कुछ और बातें आपको बता दें, जितने बच्चों की दो तीन सेमेस्टर में बैक लगी है ना, उनके मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब आप लोगों का प्रथम सेमेस्टर रिजल्ट कैसे आएगा, दिक्कत यहाँ पर दोस्त ये खड़ी होने वाली, जिन बच्चों का भैया सेकंड सेमेस्टर क्लियर हो गया है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों की बैक बरकरार है उनके लिए दोस्तों समस्या खड़ी हो सकती है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक और बड़ी अपडेट है, क्या आज आ सकता है प्रमोट पर फैसला। जी हाँ दोस्तों, प्रमोट पर फैसले की बात क्यों हो रही है, उसका रीजन ये है कि यूपी टेट परीक्षा की नई तारीख हो सकती है घोषित। जी हाँ दोस्तों, एक नोटिस आई है जहाँ पर दोस्तों आज देखिए कुछ मीटिंग्स है, जहाँ पर आप देख रहे होंगे टीईटी परीक्षाओं को लेकर भी बातें लिखी गई हैं, थर्ड नंबर पर देख रहे हैं आप लोग, उसके बाद कुछ अन्य बातें, ठीक है। तो गाइस, हो सकता है कि कुछ बड़ी अपडेट देखने को मिले, तो ये दोस्तों नोटिस है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। अगर दोस्तों टेट परीक्षा की तारीख आ जाती है, अगर ये तारीख 19 दिसंबर से पहले की आती है, तो गाइस 2019 बैच के छात्रों को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि नई भर्ती का भी नोटिफिकेशन फिर जल्दी आ जाएगा। याद रखिए, नई भर्ती में फेल छात्रों को तभी मौका मिलेगा जब आपका डीएलएड का कोर्स कंप्लीट होगा। अगर आप एक भी विषय में आपकी बैक बची है तो आप नई शिक्षक भर्ती के पात्र नहीं होंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब सुपर टेट के लिए आवेदन होगा, आवेदन के अंतिम तारीख तक भी अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा तब भी दोस्तों आप शिक्षक भर्ती में मान्य हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका रिजल्ट नहीं आ पाता किसी भी कारणवश, तो आप नई भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो गाइस, आप देखिए यूपी टेट को लेकर बैठक है, उसके बाद दोस्तों अन्य में अगर डीएलएड तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दा आ गया तब तो बढ़िया है, नहीं तो फिर देखते हैं क्या क्या होता है। फिलहाल दोस्तों हमारे स्कूटनी का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन हो सकता है कि जल्द ही प्रथम सेमेस्टर प्रमोट का रिजल्ट घोषित किया जाए। जी हाँ दोस्तों, पूरी नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि प्रथम सेमेस्टर प्रमोट रिजल्ट बेहद जरूरी है सभी छात्रों के लिए। और देखिए, सुबह से आज काफी ज्यादा बच्चों के हमारे पास सवाल आए,
सवाल दोस्त ये था सभी बच्चों का लगभग सेम कि सर जी हमारी सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी है, अब क्या हमारा प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा? जी हाँ दोस्त, एक तो सवाल ये था कि क्या हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित होगा, दूसरा सवाल दोस्तों ये था कि क्या हमें फर्स्ट का पेपर तो नहीं देना पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, ये दिक्कत भी सामने आ रही है, क्योंकि देखिए आपका प्रथम सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो पूरी तरीके से द्वितीय सेमेस्टर रिजल्ट पर डिपेंड है। या तो पीएनपी एक काम करे कि तुरंत का तुरंत दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, अगस्त में या 10-15 दिन के अंदर ये द्वितीय सेमेस्टर की भैया बैक परीक्षा करा ले, जितने बच्चों की बैक लगी है वो क्लियर हो सके। या तो इनके पास एक और विकल्प है कि भाई सेमेस्टर परीक्षाओं का आयोजन हो जो कि सितंबर में हो सकता है, फिर देखिए दिक्कत क्या आ जाएगी, ये फर्स्ट का रिजल्ट घोषित नहीं कर पाएंगे बैक पेपर छात्रों का या जिनकी बैक वैक है, तो गाइस देखिए समस्या आने वाली है तो उसको भी हमें फेस करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हाँ आप लोग पूरी उम्मीद रही कि किसी भी कीमत पर आपको फर्स्ट का पेपर नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हमारा प्रमोट का साधना देश आया था उसमें बिल्कुल क्लियर मेंशन था कि 100% मतलब 100% छात्रों को प्रमोट किया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर एक भी ऐसी कोई लाइन नहीं लिखी गई थी जहाँ पर ये दोस्तों मेंशन हो कि अगर किसी बच्चे की बैक आती है, फेल होता है, सेमेस्टर बैक आती है तो उसको फर्स्ट का पेपर देना पड़ेगा। जो भी दोस्तों बच्चे थे उनको फर्स्ट में प्रमोट किया जा चुका है, अगर आप फेल हैं तो सेकंड का पेपर दीजिए, उसको हमें क्लियर करेंगे, ठीक है? तो इसको लेकर अभी कोई असमंजस की स्थिति नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रमोट का साधना देश है, उसमें दोस्तों ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जिन बच्चों की बैक उनको फर्स्ट का पेपर देना पड़ेगा। अब दोस्तों सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या उन बच्चों को थर्ड सेमेस्टर में आसानी से प्रमोट किया जा सकता है? अब देखिए दोस्त, यहाँ पर देखिए दिक्कत वाली बात है, बाकी पीएनपी का जो रिजल्ट है आपने देख लिया कितना बुरा रिजल्ट अब तक जारी किया गया है, बताइए नंबर ही नहीं बढ़ा। और एक और सच्चाई आपको बता देगा इस, हम जब आप ये दोस्तों देखते होंगे कि 11 था इसको 12 नहीं किया गया या 23 था इसको 25 नहीं किया गया, जब दोस्त स्कूटनी रिजल्ट में नंबर बढ़ता है ना तो वहाँ होता क्या है कि नंबर की काउंटिंग की जाती है। जी हाँ दोस्तों, मान लेते कि आपने 11 नंबर स्कोर किया है तो दोस्तों कहीं जोड़ घटाने में अगर कोई भी गलती है जोड़ने में तो दोस्त वो नंबर आपका 11 से 12 हो सकता है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन पर दोस्त उनके पास ये पावर नहीं होती कि टीचर ने एक नंबर दिया तो वो बगल में भैया 1/2 करके आधा बढ़ा दे 11 से 12 हो जाए, ऐसे उनके पास पावर नहीं होती, वो दोस्त नंबर को सिर्फ काउंट करते हैं, अगर बढ़ गया तो आप पास हो जाएंगे, नंबर नहीं बढ़ा तो आप फेल माने जाएंगे। एक और कंडीशन आती है, इन केस अगर किसी क्वेश्चन को भैया एग्जामिनर चेक करना भूल गया है तो उन क्वेश्चन पर नंबर बढ़ाए जा सकते हैं, ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो काफी बच्चों का सवाल था सर जी हम बिल्कुल बॉर्डर लाइन में थे हमारा नंबर क्यों नहीं बढ़ा, तो हो सकता है गाइस कि काउंटिंग में आपका नंबर 11 ही रहा हो, नहीं बढ़ा होगा, नहीं तो उसको बढ़ा दिया जाता। बाकी पेपर आपका देखिए कितना कठिन था मैथ का, वो तो आपने देखा था, तो ये दोस्तों बड़ी लापरवाही है, पेपर लीक कोई और करे लेकिन भुगतना बच्चों को पड़े। जी हाँ दोस्तों, पहले बार पेपर आसान बना दिया गया, उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों बच्चों ने तैयारी की कि पेपर आसान रहेगा, लेकिन जानबूझकर पेपर को एक तो लेंथी किया गया और कठिन बना दिया गया। जिन बच्चों की तैयारी नहीं होगी तो डेफिनेटली दोस्तों लिख के रख लीजिए 100% वो बच्चा फेल हुआ होगा। तो ये दोस्तों पूरा मैटर है जो हम आपके सामने रख रहे हैं, और आने वाले समय में जो भी अपडेट्स आएंगे अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। यूपी टेट को लेकर एक बड़ी बैठक है आज, और हो सकता है कि प्रमोट पर भी कुछ खबर आ जाए, उम्मीद कम है लेकिन आ सकती है। रिजल्ट के लिए दोस्तों सिर्फ dlrizult.com, जी हाँ दोस्तों इस वेबसाइट पर आप लोग जरूर जाया करिए ताकि दोस्तों आपको वहां पर और भी खबरें मिल सकें, ठीक है? तो ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में, बाकी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर डेट शीट का दोस्तों लिंक दिया गया, उसको आप देखकर तुरंत तैयारी में लग जाइए। इस बार गाइस सच बता रहे, लापरवाही मत करिएगा, पेपर कठिन ही आएगा, पेपर आसान की भाई बिल्कुल उम्मीद मत रखिएगा कि पीएनपी इस बार आसान पेपर आपके लिए बनाएगी, पेपर हो सकता है कि पिछली बार से बहुत ही ज्यादा कठिन हो, क्योंकि जो अभी फोर्थ का रिजल्ट आया तो वो आपके सामने कुछ भी देखिए छुपा नहीं है, 40,000 से ज्यादा बच्चों की बैक सिर्फ 18 बैच में थी, 17 बैच में 10,000 से ज्यादा बच्चों की बैक है, तो 50,000 से ज्यादा बच्चे फेल हुए थे फोर्थ सेमेस्टर रिजल्ट में, ठीक है? तो अच्छे से तैयारी में लगी है, और ये जो पेपर हुआ था फोर्थ सेमेस्टर वाला वो 2021 की हम बात कर रहे हैं, जो आपके समय हुआ था वो तो अलग मैटर था। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, और उन बच्चों का दोस्तों अभी स्कूटनी का रिजल्ट नहीं आया है, जैसे ही कोई अपडेट्स आती है अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।